दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे आम का रस। उसके लिए लिया है हमने 3 आम, 1 कटोरी शक्कर, दूध, किशमिश, 4 इलायची और थोड़ी सी हमने लिए इसमें मिश्री, जो कि स्वाद के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम सबसे पहले आम को अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको हम काट लेंगे। तो हमने आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे मिक्सर में फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, हमने इसमें ली है इलायची, वो इलायची डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी जो मिश्री हमने ली थी, वो मिश्री भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद थोड़ी सी शुगर, हल्की सी, और थोड़ा सा दूध ऐड कर लेंगे। बाकी का दूध हम रस के बाद डाल देंगे। बनने के बाद हमारा रस तैयार हो चुका है। इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है हमने। इसके बाद में इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये हल्का थोड़ा सा गाढ़ा है, तुम इसमें पानी मिला लेंगे। पानी ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें। शक्कर ऐड कर दिया हमने पहले ही इसमें। इसको अच्छे से अब शेक कर लें। तो थोड़ा सा और गाढ़ा है, इसमें हल्का सा पानी और मिला लें। तो दोस्तों, ये हमारा आम का रस तैयार हो चुका है। अब इसमें हल्की सी हम किशमिश मिला लेंगे। तो इसमें हम मिला लेंगे पिस्ता, जो हमने पिसी हुई है, थोड़ी सी पिस्ता, काजू और बादाम। तो दोस्तों, ये हमारा आम का रस तैयार हो चुका है। तो इसे अब थोड़ा सा सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारा आम का तैयार हमारा रस तैयार हो चुका है।